हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में। ज़बरदस्त वैल्यूएशन करेंगे आपको कि क्लेविकल फ्रैक्चर क्या होता है, किस टाइप्स के क्लेविकल फ्रैक्चर मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं, इसका एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, साथ ही आपको बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, कब सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है और कब कंजर्वेटिवली इस फ्रैक्चर को मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, क्लेविकल फ्रैक्चर खेलों में होने वाला मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है। इस फ्रैक्चर के अंदर ये फ्रैक्चर होता कैसे है कि जब भी आप जैसे कोई साइकिलिंग कर रहे हैं या हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और आप शोल्डर के बल पर जब नीचे ज़मीन पर गिरते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है क्लेविकल फ्रैक्चर। साथ ही ऐसा खेल जिसमें अपोनेंट का और प्लेयर का जब शोल्डर कोलाइड होता है तो उस केस में, जैसे फुटबॉल के अंदर शोल्डर टू शोल्डर जब कोलाइड होता है प्लेयर्स का, तो उस केस में भी आपको क्लेविकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि क्लेविकल फ्रैक्चर के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली दो तरीके का क्लेविकल फ्रैक्चर आपको देखने को मिलता है। एक होता है मिडल थर्ड क्लेविकल फ्रैक्चर और एक होता है डिस्टल क्लेविकल फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमनली जो आपको देखने को मिलता है वो होता है मिडल क्लेविकल फ्रैक्चर, यानी कि मिडल थर्ड क्लेविकल फ्रैक्चर आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो जो मिडल थर्ड क्लेविकल फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है, जो आउटर सेगमेंट है, आउटर पार्ट जो है वो इन्फीरियरली डिस्प्लेस होता है और जो मीडियल पार्ट है क्लेविकल का वो डिस्प्लेस होता है सुपीरियरली। तो कुछ इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होता है। जब ये क्लेविकल फ्रैक्चर होती है तो जो इसका आउटर पार्ट है वो जाता है इन्फीरियरली और जो मिडिल पार्ट है वो जाता है सुपीरियरली। अब बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। तो जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है, टेंडरनेस देखने को मिलती है, एक्सरे से आप रिवील कर पाते हैं कि आपको क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ। साथ ही बोनी जो डिसफंक्शन होता है वो आप पाल्पेट कर पाते हैं हाथ से ही। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से क्लेविकल फ्रैक्चर का प्रेजेंटेशन होता है। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो प्रिंसिपल ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है पेन रिलीव करने के लिए और जनरली 6 से 4 हफ्तों के अंदर, 4 to 6 वीक्स के अंदर क्लेविकल फ्रैक्चर कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है और ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। दोस्तों, कंजर्वेटिव मैनेज करने के लिए इसको डॉक्टर्स फिगर ऑफ 8 की जो बैंडेज होती है वो पेशेंट को लगाते हैं कंजर्वेटिवली मैनेज करने के लिए। दोस्तों, और जनरली ये सरप्राइजिंगली ये बात मानी जाती है कि ये फ्रैक्चर जो होता है वो कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है मोस्टली केसेस में 6 से 4 हफ्तों के बीच में। दोस्तों, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जब कंजर्वेटिवली आप इसको मैनेज कर रहे हो तो कई बार क्या होता है, जो क्लेविकल के एंड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि जो आपके क्लेविकल की शॉर्टनिंग आपको नज़र आती है और क्लेविकल की जो शॉर्टनिंग अगर है 1 से 2 सेंटीमीटर की तो वो हमेशा एसोसिएटेड होती है शोल्डर का जो मोशन होता है उसको डिसफंक्शन वो रिप्रेजेंट करती है, यानी कि शोल्डर की जो रेंज है वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स फिगर ऑफ 8 बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो शॉर्टनिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके क्लेविकल की। दोस्तों, कई केसेस के अंदर सर्जरी प्रिस्क्राइब की जाती है, या तो दो रीज़न हो सकते हैं, आपकी जो क्लेविकल है वो 1 से 2 सेंटीमीटर की शॉर्टनिंग हो जाए उसके अंदर, तो उस केस में डॉक्टर्स आपको सर्जरी करवाने के लिए कहते हैं, या फिर स्किन को पियर्स करते हुए क्लेविकल बाहर की ओर आ जाए तो उस केस में भी सर्जिकल प्रोसीजर्स से आपको गुजरना पड़ सकता है अगर आपकी क्लेविकल फ्रैक्चर हुई है तो। तो दोस्तों, इन दो केसेस के अंदर डॉक्टर्स सर्जरी प्रिस्क्राइब करते हैं क्लेविकल फ्रैक्चर के अंदर। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है फिगर ऑफ 8 बैंडेज के अंदर, तो डॉक्टर्स आपके ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट की स्टिफनेस को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या सलाह देते हैं। दोस्तों, जब फिगर ऑफ 8 बैंडेज के अंदर डॉक्टर्स आपके हाथ को और शोल्डर को मैनेज करते हैं कंजर्वेटिवली, तो पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप अपने शोल्डर का फ्लेक्शन मैक्सिमम 90 डिग्री तक करें, ताकि उस केस में होता क्या है कि जो आपका ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट है उसकी स्टिफनेस को रिड्यूस किया जा सके, जिससे
आपके जो शोल्डर की जो फंक्शनैलिटी है वो बाद में हैम्पर ना हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से क्लेविकल फ्रैक्चर को मैनेज किया जाता है कंजर्वेटिवली। तो आज की वीडियो में आपको बताया क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्लेविकल फ्रैक्चर से रिलेटेड अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।